Dear students of standard 3rd, today we are learning our lesson, The Story of Sindbad the Sailor. आज हम The Story of Sindbad the Sailor यह lesson पढ़ रहे हैं. मुलानो या अगोदर या lesson चा एक part तुम्हाला पाठवलेला आहे. आपण तो अभ्यास केलेला आहे. आज आपण पेज नंबर 6 वरून समोर कंटिन्यू होत आहोत. सून अ ब्रीज स्प्रँग अप आणि तेवढ्यात लवकर, सून म्हणजे लवकर, अ ब्रीज स्प्रँग अप, मोठं वादळ उठलं. द फायर्स बिगॅन टू ब्लेज आणि आगीच्या लपटा उठायला लागल्या. उठने में जोरदार हवाई और आग भड़कने लगी. सडनली द लैंड बिगैन टू शेक. टू शेक मायने हिलना, शेक म्हणजे हलने. सडनली अचानक जमीन हलायला लागली. एंड मूव और आगे पीछे होने लगी. मूव म्हणजे मागे पुढे होने. विथ शॉक द पिकनिक पार्टी रिलाइज दैट द आइसलैंड वॉज नॉट एन आइसलैंड एट ऑल. विथ शॉक धक्काच बसला. एक जोरदार का धक्का बैठ गया और पिकनिक पार्टी वालों के ध्यान में ये बात आ गई. रिलाइज लक्षात आले कि द आइसलैंड वॉज नॉट एन आइसलैंड एट ऑल, कि वो जो आइसलैंड है, जमीन का टुकड़ा है, वो वास्तव में जमीन का टुकड़ा नहीं है. दे वेयर ऑन द बैक ऑफ अ ह्यूज सी मॉन्स्टर. त्यांच्या लक्षात आलं का ते एका ह्यूज सी मॉन्स्टरच्या पाठीवर आहेत. अ ह्यूज म्हणजे विशाल, सी मॉन्स्टर म्हणजे समुद्रातील प्राणी. एका भयानक अशा समुद्रातील प्राण्याच्या पाठीवर ते आहेत हे त्यांच्या लक्षात आलं. अँड इट हॅज स्टार्टेड मूव्हिंग. आणि त्या प्राण्यानं आता हालचाल करायला सुरुवात केली होती. पीपल बिगॅन टू स्क्रीम. टू स्क्रीम का मतलब चिखणा, चिल्लाना. लोकांनी ओरडायला सुरुवात केली. दे लेफ्ट देअर पॉट्स अँड पॅन्स, त्यांचे भांडे, त्यांच्या कढया, देअर क्लोथ बोथ वॉश्ड अँड अनवॉश्ड, धुतलेले कपडे, न धुतलेले कपडे, सर्व काही त्यांनी तिथंच टाकून दिलं. अँड रश बॅक टू द शिप, आणि त्यांनी जहाजाकडे यायला घाईने सुरुवात केली. उन्होंने जल्दी किए अपने जहाज की ओर आने में. द कॅप्टन ऑर्डर इज मेन टू सेट सेल इमिजिएटली इन ऑर्डर टू मूव अवे फ्रॉम द मॉन्स्टर. इन ऑर्डर टू, इट इज अ फ्रेज. मुलांना हा एक वाक्प्रचार आहे. इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू म्हणजे च्यासाठी, के लिए. द कॅप्टन ऑर्डर इज मेन टू सेट सेल इमिडिएटली. इमिडिएटली तत्काळ, तुरंत. मूव अवे फ्रॉम द मॉन्स्टर. तो कैप्टन ने अपने लोगों को वहां से तुरंत निकलने की ऑर्डर दिया ताकि वो लोग उस समुद्री जानवर से दूर निकल जाए. द सी मॉन्स्टर प्लंग डीप इन टू द सी. प्लंग PLUNGED प्लंग मतलब जोरदार फोर्स के साथ में छलांग लगा देना, अंदर चले जाना, पानी के भीतर जाना. द सी मॉन्स्टर प्लंग डीप इन टू द सी. समुद्री प्राणी हा जोरदार वेगाने खोल असा समुद्रात उडी मारून चालता झाला. मेनी ऑफ द पीपल मॅनेज टू क्लाइम अबॉर्ड द शिप. मेनी ऑफ द पीपल, बहुत से लोग
मैनेज टू क्लाइम, कैसे तो भी चढ़ने में, उस जहाज में घुसने में सफल हो पाए, बट मैनी सैंक इन टू द सी विथ द सो कॉल्ड आइसलैंड SANK सैंक टू सिंक, SINK सिंक टू सिंक मतलब पानी में डूबना, उसका पास्ट टेंस यहां पर सैंक है। बच्चों जो भी कहानियां होती है ना वो बताई हुई सुनाई हुई होती है, इसलिए उसमें ज्यादातर पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। बट मैनी सैंक इन टू द सी विद द सो कॉल्ड आइसलैंड, जिसे वो आइसलैंड समझ रहे थे, वहां कुछ लोग डूब गए पानी में। सिंधबाद अलोन डिड नॉट ड्रॉन इन द सी, सिंधबाद अकेला, एक अकेला समंदर में डूब नहीं गया। बट ही कुड नॉट रीच द शिप, लेकिन वो जहाज तक नहीं पहुंच पाया। ही सॉ इट सेलिंग फार, उसने देखा कि वो बहुत दूर है, तैर रही है। ही सॉ इट सेलिंग फार, फार अवे, फार अवे, लंबी दूरी पर। उसने देखा कि उसका जो जहाज है वो दूरी पर तैर रहा है। ही वॉज नाउ एट द मर्सी ऑफ द वेव्स, मर्सी मायने दया, रहम वेव्स यानी समंदर की लाटा। ही वॉज नाउ एट द मर्सी ऑफ द वेव्स, बींग टॉस हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, इधर उधर। आता त्याच्यावर फक्त दया होती ती समुद्रातील लाटांची, ज्या त्याला इकडून तिकडे आदळत होत्या, टॉस नीचे ऊपर पटक देना। ही क्लंग टू अ पीस ऑफ वुड, कैसे तो भी उसने एक लकड़े के टुकड़े का सहारा लिया एंड somehow managed टू कीप अ फ्लॉट, और कैसे तो भी उसके सहारे तैरता रहा, तरंगता रहा। ही स्पेंड नाइट अलोन एट सी, उसने पूरी रात समंदर में बिताई। SPENT स्पेंट म्हणजे घालवली, त्याने संपूर्ण रात एकट्याने अलोन समुद्रामध्ये घालवली। When the next day dawned, dawn का मतलब उगना, जेव्हा दुसरा दिवस उजाडला। सिंधबाज वॉज हैप्पी टू सी दैट ही हैड फ्लोटेड नियर एन आइसलैंड, अ रियल बिग आइसलैंड। सिंधबाजला आनंद झाला होता कारण आता तो एक आइसलैंड जवळ, भूपृष्ठाजवळ, जो खरोखरचा मोठा भूपृष्ठ होता अशा ठिकाणी पोहोचला होता। ही कुड नॉट, ही कुड सी हिल्स एंड वुड्स एंड ट्रीज एट अ डिस्टन्स, तो आता बघू शकला कि काही टेकड्या आहेत, काही जंगला आहेत आणि झाडा आहे काही अंतरावर। दो ही वाज एक्स्ट्रीमली टायर्ड, दो म्हणजे जरी, हालांकि ही वॉज एक्स्ट्रीमली बेहद, पुष्कळ, बहुत टायर्ड, जरी तो पुष्कळ थकलेला होता। ही स्वॅम टू द शॉर विथ ऑल द स्ट्रेन दॅट ही कुड मस्टर, ही स्वॅम टू द शॉर विथ ऑल द स्ट्रेन, शॉर समुद्राचा काठ, तो समुद्राच्या काठावर पोहत आला, त्यात असणारी जी काही शक्ती होती ती पणाला लावून। एक्झॉस्टेड अँड हंग्री, एक्झॉस्टेड प्रचंड थकलेला, अँड हंग्री आणि भूक लागलेला, ही ले ऑन द सँड फॉर सम टाइम, सँड रेती, फॉर सम टाइम काही वेळ, तो समुद्राच्या त्या रेतीवर काही वेळ पडून राहला, ले म्हणजे पडून राहला।
देन अगेन आणि मग पुन्हा ही मेड एन एफर्ट, त्याने प्रयत्न केला, उसने कोशिश किया, कोण सिंधबाद एंड बिगैन टू वॉक इन लैंड टुवर्ड द शेडी फ्रूट ट्रीज दैट ही कुड सी एट अ डिस्टन्स. मग त्याने प्रयत्न केला कुठे जाण्याचा, त्या जमिनीकडे ज्या ठिकाणी एक त्या ज्या ठिकाणी बहरलेलं एक फळांचा वृक्ष होता. ऐसी जगह वो जाने लगा जो थोड़ी दूरी पर एक अच्छे आमों वाला पेड़ लगा हुआ था. लकीली दिस वॉज द टाइम वेन द किंग ऑफ दैट आइसलैंड सेंट हिज हॉर्सेस टू द सी शोर विथ द ग्रूम. आणि सुदैवाने किस्मत से यह वो समय था जब उस आइसलैंड के राजा ने अपने लोगों को घोड़ों के साथ वहां सी शोवर पे भेज दिया था. द ग्रूम्स वॉज सिंधबाद. आता या ठिकाणी ग्रूम्स याचा अर्थ सैनिक. कोणते सैनिक, कौन से सैनिक बच्चों? GROOMS ग्रूम का मतलब होता है घोड़ों को खिलाने पिलाने वाले, उनकी देखभाल करने वाले जो कामगार होते हैं, राजा के लोग होते हैं, उनको ग्रूम कहते हैं. द ग्रूम सॉ सिंधबाद एंड गेव हिम फूड एंड ड्रिंक. उन्होंने सिंधबाद को देखे और उसे पीने के लिए और खाने के लिए कुछ सामान दिए. देन दे took him to the king. फिर वो सिंधबाद को राजा के पास लेकर गए. द किंग वॉज इम्प्रेस्ड. द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द वे सिंधबाद टोल्ड हिम अबाउट वॉट हैपन्ड. वॉट हैड हैपन्ड, जो हो गया था वो सब सिंधबाद ने राजा को बताया. तो राजा सिंधबाद से बहुत प्रभावित हो गए. ही आस्क्ड सिंधबाद टू स्टे विथ हिम एंड वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ द किंग एट द पोर्ट. बादशाह ने सिंधबाद को अपने साथ रहने के लिए कहा, काम करने के लिए कहा. क्या बोलकर कि एज एन ऑफिसर ऑफ द किंग एट द पोर्ट, कि राजा का जो पोर्ट है जहां पूरे जहाज रखे जाते हैं, उस जगह का ऑफिसर बन के रहने की इजाजत बादशाह ने सिंधबाद को दी. सिंधबाद से कहा कि आप यहीं पे रह जाइए और इस पोर्ट के ऑफिसर के रूप में काम कीजिए. तो प्यारे बच्चों, यहां तक आज हमने इस स्टोरी को देखे हैं. इस पर कुछ वर्ड्स भी हैं. ये वर्ड्स आपको आगे के पार्ट में हम देने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन भी देंगे और पैसेज देने वाले हैं. वो पैसेज कैसा रहेगा तो अभी वो हम यहाँ पर देखते हैं. आप इस लेसन के ऊपर ही अपनी नजर को कायम रखे. अब देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. ये तो कक्षा दूसरी तक आप सभी बच्चों ने पढ़ा है, परंतु अब आगे आने वाला जो भी हिस्सा है उसमें आपको क्या करना है. आपको कोई एक पैराग्राफ दिया जाएगा. पैराग्राफ के शुरू के शब्द रहेंगे, अंत के कुछ शब्द रहेंगे, बीच वाला पूरा पैराग्राफ आपको अपने टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 और 8 पर देखना है. फिर क्या करना है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड. आपको पैसेज को पढ़ना है और आपसे पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है. इस तरह से आने वाले लेसन में जब भी मैं पढ़ाऊंगा तब आपको कुछ पैसेज दूंगा. उन पैसेज को आप पढ़ोगे और
बच्चों ध्यान रखना है, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, इसलिए आप यहाँ दी हुई पूरी स्टोरी को एक बार दो बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और जो वर्ड आपको मुश्किल लगते, मान लीजिए यहाँ पर आपको यह वर्ड है एक्सट्रीमली, तो आप इसे इस तरह अंडरलाइन करोगे, अपने नोटबुक में लिखोगे EXTREMELY। अब एक्सट्रीमली लिखने के बाद इस शब्द की रीडिंग भी सीखिए आप, और इसकी जो मीनिंग है वो मीनिंग यदि आपको नहीं आ रही है तो आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं, या डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं, और उन शब्दों को नोटबुक में लिखने का और उसे लर्न करना है। आफ्टर ऑल यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल के विद्यार्थी हो, इसलिए बच्चों जो भी कठिन शब्द लगते हैं उन कठिन शब्दों को आप अंडरलाइन करना ना भूले, उनको लिखना ना भूले, और लिखे हुए शब्दों की मीनिंग घर में अगर कोई पढ़े लिखे लोग हैं तो उनसे पूछिए, नहीं है तो आप डिक्शनरी में देखिए, उसमें भी नहीं मिलता है तो फिर आप मुझे फोन करके बिल्कुल पूछ सकते हो। थैंक यू।